शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्रावणी, तुम हमें छोड़ के जाओ, हम कैसे करके आ जाएंगे? एक भिखारियों की टोली है जो हमारे बेटे को उठा के लेकर गई है। कुछ भी करके हमारे बेटे को वापस लौटा दो। आप जिन भिखारियों की टोली की बात कर रही है ना, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। एक काम करते हैं, इसका पैर काट देते हैं। जब पैर कटा रहेगा ना, तो लोग दया खा के भीख ज्यादा देंगे। हमें कुछ भी करके बंटी को बचाना ही पड़ेगा। छोड़ो, हमें हमने कुछ नहीं किया। हमने आप यहाँ थोड़ा सा खा लो बंटी, हमें भी पता कि रोटी बहुत सूखी है, पर थोड़ी कोशिश तो करो खाने की। बंटी, पता है तुम्हें, अगर नहीं खाओगे ना तुम कमजोर हो जाओगे और फिर हम यहाँ से भागेंगे कैसे? ये खाना बंटी, ये निवाला तुम्हारी माँ के नाम का। ये निवाला बाबा के नाम का। ये तुम्हारा आखिरी निवाला, खाओ। ये आखिरी निवाला तुम खा लो, खा लो। तो निकलो हमारे घर से। श्रवणी, हम कितने बुरे हैं ना, हमने तुम्हें कितना परेशान किया, पर फिर भी तुम हमसे मिलने आई। नहीं बंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यह तुमसे मिलने थोड़ी ना है, हम तो यहाँ पर तुमको ले जाने के लिए है। पर वो प्लान तो फेल हो गया, अब वो लोग हमसे भीख मंगवाएंगे। नहीं बंटी, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम यहाँ से भागने वाले। लेकिन कैसे, वो तो कल हम लोग को यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। कैसे वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम तुम्हें तुम्हारे घर स्कूल लेकर जाएंगे, और उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, और ये श्रवणी का वादा है तुमसे। सभी जगह हमने ढूंढ लिया, हर गिरोह से कब्री से बात हो रही है, लेकिन कहीं से भी बंटी को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। चक्कर क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, बंटी को ढूंढ रहे हो? वो हमारे पास है। तुम आखिर हो कौन? कौन बोल रहा है ये जान के क्या कीजिएगा भानु बाबू? अपने बेटे का हाल सुनिए ना, वो हमारे पास है और उसके जान की कीमत है 1 करोड़। 1 करोड़ ले आइए, वो भी कल तक। लेकिन तुम कौन हो? हमारी बात कराओ बंटी से। भानु बाबू, इस खेल की सारी कौड़ियां हमारे पास है,
शर्तें तुम नहीं रखोगे, हम रखेंगे। आप लोग बानो जी का फोन टैप कर रहे हो ना, अभी जिस नंबर से कॉल आ रही है उसे ट्रेस करो और तुरंत मुझे कॉलर की लोकेशन भेजो, जल्दी। अब ये कौन है जो 1 करोड़ मांग रहा है? उसने तो पैसे लेकर भी कहा था कि बंटी को नहीं लौटाएगा। पहले हमको ये बताओ हमारा बंटी कैसा है। देखो अगर उसे खरोच भी आ गई ना तो समझ लेना। भानु बाबू आप ही मजाक अच्छा करते हैं, आपका दुलारा हमारे पास है और आप तेवर दिखा रहे हैं। तेवर नहीं दिखा रहे, तुमको बता रहे हैं, अभी तुम हमें जानते नहीं। जानते हैं भानु बाबू, बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल तो आपके यहाँ पुलिस लोगों का भी बहुत आने जाना है, लेकिन हम भी एक सच्चाई आपको बता देते हैं। पुलिस को अगर इस कॉल के बारे में बताया तो समझ लीजिए बंटी गया। हेलो हेलो, हेलो जी, कॉलर का एड्रेस मिला आपको? ट्रेस हो गई तो जल्दी से मेरे फोन में भेज दो। ये तो हमारे घर का पता है। पर हमारे घर से फिरौती का फोन कौन करेगा? भावना बिना पंखुड़ी वो तो मंदिर गए हैं, वीरेन भी बाहर गया है और शरद काम पे गया है, तो घर में हम हैं और आपके सामने है। ये कॉलर यही कहीं छुपा है, इसी घर में। पूरी तलाशी लेनी पड़ेगी इस घर की, हम तलाशी लेते हैं। हम भी देखते हैं। नहीं अम्मा, ऊपर भी देख लिया नहीं है। अरे हम भी यहाँ पे नीचे सब देख लिए, कुछ नहीं मिला। शायद आजकल ये टेक्नोलॉजी हमसे भी आगे, हमारी सोच से भी आगे, हमें भटकाने के लिए ये कॉल को डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन फिरौती मांगने वालों ने इतनी देर क्यों की? और अगर इस आदमी के पास बंटी है तो फिर श्रवणी कहाँ है? चाय में चीनी नहीं डालना, हमारी चाय तो तुम्हारे हाथ लगने से ही मीठी हो जाती है। किसने कहा हम तुम्हारे लिए चाय बना रहे हैं? ये चाय हम भानु भैया के लिए बना रहे हैं। कितने परेशान है वो, हमें तो समझ नहीं आ रहा है इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे भैया। सुबह से फोन मिला रहे हैं सबको। यही खास बात है तुम्हारी, इसकी वजह से हमें तुमसे प्रेम है। सबकी चिंता करती हो तुम, कौन करता है आज के जमाने में सबकी चिंता। हमें बस एक शिकायत है कि अगर इतनी सारी चिंता अगर हमारा कर लिया होता ना तो हम गंगा नहा लिए होते। करते हैं ना, तुम्हारी भी चिंता करते हैं, बल्कि आज सुबह ही हम तुम्हें याद भी कर रहे थे। क्या बात कर रही, हमें याद कर रही थी। ये देखो। हाँ। करेला। हाँ, करेला। इस करेले को देख के ना हमें तुम्हारी याद आ जाती है, बल्कि एक पल के लिए ना हम कच्चा करेला हजम कर सकते हैं, पर तुम्हारी बातें नहीं। करेला, आज भले तुम्हें हमारी कदर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हें हमारी कदर होगी। वो तो हम दीदी जीजा जी का लिहाज करते हैं इस घर में, वरना हमारा तेवर और कलेवर अभी तक तुम देख ही नहीं हो। प्रेम, तुम जा रहे हैं। दिन कभी नहीं आएगा विलेन, कभी भी नहीं, क्योंकि हम
अरे हमारी चाय, अब और छुप छुप कर नहीं मिल सकते हम। ये लुका छुपी का खेल हम जल्द खत्म कर देंगे और तुमसे सबके सामने खुलकर मिलेंगे। सब लोग कान खोलकर सुन लो बे, आज सब लोग तमीज में रहना। काहे कि आज जो है हमारे बड़ के भैया के भी बड़ के भैया आ रहे हैं। समझ में आई बात? तो कौनो होशियारी करना मत। समझ में आई बात? तुम लोगों को स्पेशली क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया जी आ गए हैं। ए, 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 चलो आइए भी। सारी तैयारी पूरी है ना? जी भैया जी, गाड़ी बस आती होगी। ठीक है, बच्चों को ध्यान से बिठाना। जी भैया जी। एक भी बच्चा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जी। हमने चेक पोस्ट पे सबकी जेब गर्म कर दी है। जी। बिना रोके टोके निकल जाओगे। आइए ना भैया जी, बैठिए। भैया जी ठंडा लेंगे या गर्म? नहीं कुछ नहीं चाहिए, चाय कटिंग लेके आता। बेटा आप रो क्यों रहे हो? भैया क्यों नहीं आए अभी तक? बेटा भैया अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया, एक दो दिन में आ जाएगा। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमने सुना था कि वो लोग बहुत बुरे हैं, बंटी भैया कभी नहीं आएंगे। किसने बोला ऐसा? सब गलत बातें कर रहे हैं, हम डांटेंगे सबको, बंटी भैया आ जाएंगे। ठीक है अब तुम जाओ अपनी गुड़िया के साथ खेलो जाके। बीरेन बात समझ में नहीं आ रही है कि जब बंटी उन भिखारियों की टोली के पास है तो फिरौती मांगने के लिए बानू को किसने फोन किया? तो हमको भी क्या पता बहना, लेकिन वही लोग होंगे। अब उन लोगों को पता तो चल ही चुका है कि भाई पैसे वाले लोग हैं, और ज्यादा पैसा इठने के लिए लालच में पड़ गए होंगे, इसलिए सब कर रहे होंगे। नहीं हम बोले थे उनको कि हम और पैसा देंगे, तब तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर बाद में भानु जी को फोन करके पैसा मांगने का क्या मतलब है? ये टेढ़ी बात है हम तुमको बता रहे हैं। इसमें क्या टेढ़ा हो सकता है बहना? ये वो लोग नहीं है, ये वही है जो हमको इतने दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। हम कह रहे हैं बहना अगर ऐसा है भी तो होने दो ना, अच्छा तो है। ज्यादा से ज्यादा ये तो है कि जीजा जी को पता चल जाएगा, और जीजा जी को पता चल जाएगा तो वो कौन सा अपने बेटे को छोड़ देंगे? वो जा करके पैसा देंगे और आपका बेटा आपके पास आ जाएगा, यही तो चाहती है ना आप? हाँ बात तो सही है। तो पहली बार ये ब्लैकमेल हमारा आफत और बढ़ाने से ज्यादा थोड़ा कम कर रहा है। पैसा तो दे देंगे ना जीजा जी? हाँ तो अपने बेटे के लिए नहीं देंगे। चंद्रा भानु हम बंटी को छुड़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं ना? पुलिस ने तो मना किया है फिरौती के पैसे देने को, लेकिन अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। पता नहीं वो लोग बंटी के साथ क्या कर दें, अब हम खतरा मोल नहीं लेंगे। हाँ। पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे, लेकिन रकम बहुत बड़ी है और पैसे का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भानु बेटा हमारे बैंक के लॉकर में
हमारे गहने हैं, वो ले लो, काम आ जाएगा। अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा, हम तुम्हारे गहने नहीं ले सकते, वो बाबूजी ने तुमको दिए थे, उस पे हमारा हक नहीं है। भैया हमारे गहने ले लीजिए, बंटी हमारा भी तो भतीजा है ना। नहीं पंखुड़ी, वो तुम्हारी शादी के लिए जोड़ के रखे हैं, हम नहीं ले सकते। पर अभी बंटी का घर आना ज्यादा जरूरी है, गहने तो दोबारा भी बन जाएंगे ना। भगवान ना करे अगर बंटी को कुछ, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे ना, वो गहने पहन पाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा उसको, कितनी समझदार हो यार तुम पंखुड़ी। चंद्रा तुम अपने गहने ले आओ। हे भगवान, ये तो बड़का खेल हो गया। अब वो हम गहने कम से कम 50 लाख के तो होंगे ही, बाकी 50 लाख का इंतजाम आराम से हो जाएगा। अब गहने कहाँ से लाए, वो तो उसको पहले ही दे दिए थे। कहाँ कहेंगे हम बानू जी से, चोरी हो गए या फिर? देखो गहने तो बाद में भी बन जाएंगे, बंटी हमारे पास आ जाएगा। और नहीं तो क्या बहना, बंटी ज्यादा जरूरी है। हाँ जाओ लेके आओ, जल्दी लाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जाओ ले आओ। आ जाएगा बंटी जी, आ जाए। जल्दी लेके आओ। हाँ दे रहे, जल्दी लेके आओ, समय नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ ये लो। देर काहे कर रहे हो? हाँ हम दे के आते हैं। ये जेवर यहाँ कैसे आ गए? श्रावणी बोल रहा है, पुलिस अंकल जी आप जल्दी से आ जाइए, लोग बस कुछ ही देर में मेरे शहर से बाहर लेकर जाने वाले हैं, ट्रक में बिठा के, आप कुछ भी कीजिए, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। भानु भैया की मदद के लिए कम से कम हम अपनी ज्वेलरी तो दे ही सकते हैं। हमारी शादी का हार कहाँ चला गया? ये यही तो रखा था हमने। शरद जी कहाँ चलेगा? शरद जी क्या हुआ, काहे चिल्ला रही? शरद जी ये हमारी शादी का हार नहीं मिल रहा है। देखो कहीं रख के भूल गई होगी, देखो ध्यान से। नहीं शरद जी, हमने इसी बॉक्स में रखा था, हमको बहुत अच्छे से याद है। आपको पता है कि कहाँ रखा है? हमको कैसे पता होगा, हम का तुम्हारे जेवर ताड़ते रहते हैं। नहीं शरद जी, हमने सब जगह देख लिया, हमारी शादी का हार है और बाकी सारे जेवर तो वहीं पर है ना, अगर चोरी होते तो सब चोरी होते, सिर्फ यही हार क्यों? अरे बीना तुम कहीं रख के भूल गई होगी, कह रहे हैं ना हम। नहीं शरद जी, हम अपनी चीज कभी इधर उधर रख के नहीं भूलते, और वो तो हमारी शादी का हार था, आपको याद है ना। हमको कुछ भी याद नहीं है, और हमको ना उस दिन का कुछ भी याद नहीं रखना है, समझी तुम? तो ठीक है फिर, आप एक काम करिए कि आप पुलिस को बुलाइए, वो हार हमारी सुहाग की बेदी का था, आप रिपोर्ट करिए हार के लिए। पुलिस को बुलाएं? पुलिस पहले बंटी को ढूंढ रही है, इतना तमाशा हो रहा है घर में, और तुम क्या चाहती हो कि पुलिस सारा काम धाम छोड़ के तुम्हारा ये जेवर ढूंढने में लग जाए? जरा सी बात है मिल जाएगा, ध्यान से देखो। हमारे लिए ये जरा सी बात नहीं है,
बीना, पहले तो अपनी लापरवाही से तुम अपना सामान रख के भूल जाती हो, और फिर जब वो नहीं मिलता तो हाय तोबा मचाती हो, और फिर अपनी गलती छुपाने के लिए इतना ड्रामा कर रही हो। पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है तो वो तुम्हारा ये हार ढूंढे। ये सब पुलिस को तय करने दीजिए ना, आप काहे के लिए बौखला रहे हैं? हम काहे बौखलाएंगे, काहे बौखलाएंगे हम? हार आप ही ने लिया है ना। हम पहनेंगे हार। पहनेंगे नहीं, पर पहना तो सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ आपको पता था और हमें पता था कि हमारी शादी का हार कहाँ रखा है। ए बीना, अब तुम हद पार कर रही हो। हद हम नहीं, आप पार कर रहे हैं। जरूर आपने ही किसी को दिया होगा। हाँ, दे दिया हमने तुम्हारा हार किसी को। खुश, अब बताओ क्या कर लोगी? आप सच कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। और जानना चाहती हो वो हार हमने किसको दिया है? तुम्हारी सौतन को दिया है। हमारा चक्कर चल रहा है, यही सुनना चाहती हो ना तुम? हमारा चक्कर चल रहा है, वो हार हमने तुम्हारी सौतन को दे दिया है। तुमने हम पर हाथ उठाया बीना? तुम्हारी इतनी मचा, बस बहुत हो गया, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे बीना। अरे साहब, 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 देखना उधर क्या कर रहा है। अरे फोन गिर गया। तो ये है सांप? नहीं, ये सांप थोड़ी है, हमने अपनी आंखों से देखा था हमारे सामने। अब्बा सुन, टांग भर की छोकरी जब से है ये नाक में दम कर रखा है, आज तुझे कायदे में लाना ही पड़ेगा। चौंक गई ना कि जेवर कहां से आ गए? हमने रखा है। तुम हमसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन किस बात का? हम तुमको जानते तक नहीं है। हम तुमको न चैन से जीने देंगे, न चैन से मरने देंगे। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।